हेलो स्टूडेंट्स, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस। नाउ ऑर्गेनिक रिएक्शंस आर ऑफ फोर टाइप। आवर फर्स्ट टाइप इज कॉल्ड एज एडिशन रिएक्शन। सो व्हाट इज एडिशन रिएक्शन, दैट वी विल सी नाउ। नाउ सेकंड टाइप इज कॉल्ड एज एलिमिनेशन रिएक्शन। देन आवर थर्ड टाइप इज कॉल्ड एज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एंड फोर्थ टाइप इज कॉल्ड एज रीअरेंजमेंट रिएक्शन। नाउ फर्स्ट विल सी एडिशन रिएक्शन। अभी एडिशन रिएक्शन के लिए हमारे पास सबस्ट्रेट चाहिए जिसमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड है। जैसे कि हमारे पास ये CH2 डबल बॉन्ड CH2, और उसके लिए अगर हमारे पास है Br2 इन प्रेजेंस ऑफ CCl4, और अगर हमें कंपाउंड मिल रहा है CH2 CH2 Br Br, तो अभी इस केस में क्या ऑब्जर्वेशन है हमारा, डबल बॉन्ड चेंजेस इंटू सिंगल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड चेंजेस इनटू डबल और सिंगल बॉन्ड, देन इन दैट केस वी कैन सी इट एज अ एडिशन रिएक्शन। सो एडिशन रिएक्शन के लिए इंपॉर्टेंट पैरामीटर क्या है, योर सबस्ट्रेट शुड हैव मल्टीपल बॉन्ड, आइदर डबल और ट्रिपल बॉन्ड। सो दैट थिंग यू हैव टू रिमेंबर। सेकंड इज कॉल्ड एज एलिमिनेशन रिएक्शन। अभी एलिमिनेशन रिएक्शन में याद रखना है आपको, जैसे कि हमारे पास है CH3 CH2 Cl + KOH, सॉल्वेंट इज एल्कोहल हियर। एंड इफ यू आर गेटिंग CH2 डबल बॉन्ड CH2 + KCl + H2O, अभी इस केस में सिंगल बॉन्ड है हमारे रिएजेंट स्टार्टिंग कंपाउंड में, पर प्रोडक्ट में अगर हमें डबल बॉन्ड मिल रहा है या ट्रिपल बॉन्ड मिल रहा है, तो उस केस में हम बोलेंगे एलिमिनेशन रिएक्शन। इस रिएक्शन को क्या बोलेंगे, एलिमिनेशन। नाउ नेक्स्ट टाइप इज कॉल्ड एज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अभी सब्स्टिट्यूशन में क्या होता है, एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम रिप्लेसेस अनदर एटम और ग्रुप ऑफ एटम। जैसे कि हमारे पास ये स्टार्टिंग मटेरियल है, यहाँ पे क्लोरीन है, यहाँ पे OH उसको रिप्लेस कर रहा है, तो अभी उसको क्या लिखेंगे इसके लिए, CH3 CH2 OH, तो उसे हम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोल सकते हैं, क्योंकि इस एटम को इस ग्रुप ऑफ एटम ने रिप्लेस किया है। नेक्स्ट इज कॉल्ड एज रीअरेंजमेंट टाइप ऑफ रिएक्शन। रीअरेंजमेंट में क्या होता है, जो स्टार्टिंग कंपाउंड है हमारे पास उसमें कुछ चेंजेस हो जाते हैं, वो रीअरेंज हो जाता है, वो रिशफल होता है। अगर हमारे पास स्टार्टिंग कंपाउंड ये है, इसकी रिएक्शन हम HCl इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3 कर रहे हैं, तो हमें प्रोडक्ट मिलेगा CH3 CH CH3 CH3। अब ये जो स्ट्रेट चेन कंपाउंड है, ये रीअरेंज होके क्या बन गया, ब्रांच हो गया, तो इस रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, रीअरेंजमेंट टाइप ऑफ रिएक्शन। तो अभी आपको याद रखना है, एडिशन में आपके पास स्टार्टिंग मटेरियल डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होगा, जो एंड होने के बाद, रिएक्शन होने के बाद सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट होगा। एलिमिनेशन में उसका अपोजिट होगा, स्टार्टिंग करोगे आप सिंगल बॉन्ड से, पर आपको एंड में मिलेगा इधर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड प्रोडक्ट में। सब्स्टिट्यूशन में क्या होगा, एक एटम और ग्रुप ऑफ एटम रिप्लेस हो रहा है अनदर एटम और ग्रुप ऑफ एटम से। रीअरेंजमेंट में क्या होगा, आइसोमेरिज्म टाइप ऑफ रिएक्शन होगी, मतलब आपके पास जो स्टार्टिंग कंपाउंड है वो रिशफल होगा, रीअरेंज होकर कुछ नया प्रोडक्ट बनेगा। अभी उसके रिलेटेड हमारे पास कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जैसे कि ऑब्जर्व द फॉलोइंग रिएक्शन एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। अभी ये फर्स्ट रिएक्शन में क्या दिख रहा है हमें, ये जो प्रोडक्ट बन रहा है इसमें स्टार्टिंग मटेरियल में सिंगल बॉन्ड था, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, मतलब ये क्या है, दिस इज एलिमिनेशन। तो फर्स्ट हमारा क्या है, एलिमिनेशन। सेकंड क्या है हमारा, बी आर रिप्लेस बाय OH, मतलब ये हो गया सब्स्टिट्यूशन। थर्ड में क्या हो रहा है, डबल बॉन्ड चेंजेस इनटू सिंगल बॉन्ड, ब्रोमीन ऐड हो रहा है, मतलब ये हो गया एडिशन रिएक्शन। सो फर्स्ट शुड बी एलिमिनेशन, सेकंड शुड बी सब्स्टिट्यूशन, एंड थर्ड शुड बी एडिशन। अभी कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है इस केस में, हमारा मैच कर रहा है ऑप्शन डी, मतलब डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट आइडेंटिफाई न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अभी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का मीनिंग क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल आएगा और वो जो लिविंग ग्रुप है उसे सब्स्टिट्यूट कर देगा। अब इसमें सब्स्टिट्यूशन तो नहीं हो रहा है, डबल बॉन्ड का सिंगल बॉन्ड हो रहा है, मतलब ये एडिशन रिएक्शन हो गई। इसमें भी डबल बॉन्ड है, ये RMJS के साथ रिएक्ट कर रहा है और इसका सिंगल बॉन्ड बन रहा है, मतलब ये भी एडिशन हो गई। ये दोनों भी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन है, क्योंकि वाटर न्यूक्लियोफाइल है, इस केस में R- न्यूक्लियोफाइल है। पर अभी इस केस में क्या हो रहा है, Br रिप्लेस बाय NH2 हियर, मतलब ब्रोमीन रिप्लेस हो रहा है, डिस्प्लेस हो रहा है। अगर ब्रोमीन रिप्लेस और डिस्प्लेस हो रहा है, मतलब उसको क्या बोलेंगे हम, सब्स्टिट्यूशन टाइप ऑफ रिएक्शन। मतलब हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, सी। सी इज अ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, अमोनिया न्यूक्लियोफाइल है, वो ब्रोमीन को रिप्लेस कर रहा है, तो उस रिएक्शन को बोलेंगे हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। इसके रिलेटेड अगर आपको कोई डाउट होगा, तो आप कमेंट बॉक्स में वो आपका क्वेश्चन टाइप कर सकते हो। थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ नाइस टाइम, टेक केयर।